हेलो एंड वेलकम टू फोनलेस दोस्तों। आज के वीडियो हम लोग सीखेंगे जावा का मेथड, और बेसिकली ये अगर देखें तो ये लास्ट वीडियो है प्रोबेबली जावा प्रोग्रामिंग का। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो पर, तो ये खुशी की भी बात है और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि कभी भी लास्ट नहीं समझे किसी भी चीज़ को, क्योंकि ये सारी चीज़ें एंडलेस होती है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस ट्यूटोरियल कोर्स हम लोगों ने ऑलमोस्ट ऑल चीज़ें जो कि बेसिकली या फिर मोस्टली यूज़ होती है उसे हमने कवर कर लिया। अब यही सारी चीज़ें हर बार घूमती रहती है सभी टाइप के एप्लीकेशंस में, भले ही कुछ जगह पर एडवांस हो जाती है सारी चीज़ें, तो वो तो यूजेज पर डिपेंड करता है, बाकी चीज़ें इसी तरह की होती है। तो इस वीडियो में हम लोग मेथड सीखेंगे। तो मेथड हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, उससे पहले आप देख लें कि मैंने क्लिप्स ऑन रखा है, और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये वीडियो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसमें जा करके आप बाकी वीडियोस भी देखें ताकि आपको समझ में आए, और अगर आपको सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को। एक्लिप्स इंस्टॉल करना है तो आप जावा वाला फर्स्ट वीडियो देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, वहाँ पर जा करके। तो चलिए, फिलहाल हमने एक्लिप्स में एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी हम लोग जो ट्यूटोरियल का कंटिन्यू रख रहे हैं वही प्रोजेक्ट है। इसमें हमने एक क्लास बना रखा है माई मेथड डॉट जावा, आप कोई भी नाम से बना सकते हैं। बनाने के लिए सिंपली आप पैकेज या फिर अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करके न्यू में जाएंगे, उसके बाद क्लास में जाकर बना लेंगे। तो यहाँ पर एक क्लास बना हुआ माई मेथड, इसमें एक ऑलरेडी से मेथड है मेन मेथड, ये चीज़ तो ये भी एक मेथड ही है, लेकिन अब हम लोग अपना मेथड बनाएंगे। इसमें अपने मेथड की क्या ज़रूरत होती है, तो बेसिकली अगर हम इस तरह से देखें कि हमें दो नंबर को जोड़ना है, तो फिर बार बार अगर हम ऐड वाला कोड रन करेंगे लिखेंगे तो वो आपको कोड भी लंबा होगा और ये जो फाइल बनेगी माई मेथड डॉट जावा वो भी काफ़ी कचरा टाइप का बनेगा। तो मेथड में अगर हम उस चीज़ को डिफाइन कर देते हैं, कोई भी फंक्शन को, बेसिकली मेथड जो है वो फंक्शन ही है, अपने कोड्स को अगर उसमें डिफाइन कर देते हैं तो जितने जगह पर आप यूज़ करना चाहें इवन अलग क्लासेस में भी आप यूज़ कर सकते हैं उसी कोड को बिना दोबारा राइट किए हुए। चलिए देखते हैं इसे कैसे करते हैं। तो अभी आप इस चीज़ को रट जाएँ कि मेथड किस तरह से बनता है। सिंपली आपको लिखना है स्टैटिक, एंड्रॉयड स्टूडियो में हम लोग जब जाएंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, लेकिन बेसिकली यही चीज़ रहेगी। स्टैटिक वॉइड लिखें और उसके बाद फिर मेथड का नाम दें। तो माई सम, यहाँ पर हम लोग ऐड वाला मेथड एक बनाते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर देखें स्टैटिक वर्ड लिखने के बाद आपको माई सम, यहाँ पर मेथड का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, हम लोगों ने माई सम दिया। उसके बाद राउंड ब्रैकेट ज़रूर दें, और उसके बाद फिर राउंड ब्रैकेट के बाहर कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर आपको अपने सारे कोड्स लिखना है। ये मेथड का नाम हो गया माई सम, हम जब भी कॉल करेंगे मेथड को तो माई सम इतना कॉल करेंगे, उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे। तो ये चीज़ है। अब चलिए इसमें हम लोग फॉर एग्जांपल एक बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर हम लोग एक चीज़ प्रिंट कर देते हैं, हेलो लर्नर्स। चलिए यहाँ पर हमने प्रिंट कर दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करके हेलो लर्नर्स, तो इतना कोड हमने इस मेथड में डिफाइन किया। अभी अगर रन करेंगे तो कुछ नहीं होगा, कंट्रोल F11 हमने प्रेस किया, आप देख सकते हैं कुछ नहीं। रीज़न है इसका क्योंकि हमने इसको इस मेथड को एग्जीक्यूट नहीं कराया। एग्जीक्यूट कहाँ पे कराएंगे, तो मेन मेथड के अंदर कराएंगे हम लोग। मेथड डिफाइन कहाँ करेंगे, तो मेन के बाहर करेंगे। आप चाहे तो इसके ऊपर कर दें, पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन के ऊपर कर दें, या फिर उसके नीचे करें, लेकिन इसके अंदर नहीं करना है क्योंकि ये ऑलरेडी मेन मेथड है। एंड्रॉयड स्टूडियो में उसी तरह से ऑन क्रिएट वगैरह मेथड होती है, और वो चीज़ें हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो में ही देखेंगे। अभी फिलहाल कुछ इस तरह से हमने मेथड बनाया, अब इसे कॉल कैसे करेंगे। तो मेन में हम लोग जाते हैं, अब सिंपली हम लोग मेथड का नाम देंगे एज इट इज़ जैसा है वैसा, राउंड ब्रैकेट भी देंगे और सेमी कॉलन देंगे। अब यहाँ पर ये कॉल हो चुका है मेथड, आप देख सकते हैं। कंट्रोल F11 अब हम प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं हेलो लर्नर्स। अब अगर हमें यही चीज़ कई बार प्रिंट करवानी है, यही मेथड कहीं काफ़ी जगह पर अगर कॉल करना है, तो हम लोग सिंपली ये मेथड का नाम पुकार लेंगे। अब ये चार बार वही मेथड कॉल होगा, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल हो गया, आपको बार बार इतना कोड नहीं लिखना पड़ा सिस्टम डॉट आउट करके। और साथ ही साथ अभी तो ये चीज़ है कि एक ही नाम लिखा रहा है, लेकिन हम लोग इसे ये भी कर देंगे, इसमें पैरामीटर असाइन करेंगे और इसे एक डायनामिक मेथड बना देंगे, किस तरह से देखते हैं। यहाँ पर हम लोग यूज़र का नाम प्रिंट करवाना चाहेंगे ओके इस मेथड में, तो कैसे होगा। सबसे पहले इसे हम लोग मिटा देंगे,
यहाँ पर माई सम मेथड है। अब इस राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग पैरामीटर्स देते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रिंग हम लोग देंगे क्योंकि नाम स्ट्रिंग ही होगा, स्ट्रिंग नेम, और उसके बाद फिर मेथड में हम लोग का क्या प्रिंट होगा भाई, तो नेम प्रिंट होगा क्योंकि हम लोग जो नाम है वो पास करेंगे मेथड के पैरामीटर में। अब यहाँ पर देख रहे हैं सभी जगह एरर आ रहा है, तो ये जो राउंड ब्रैकेट है, राउंड ब्रैकेट के अंदर हम लोग नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हमने दिया पहला नाम रोहित, हमें इतना लंबा कोड लिखने की अब कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि अब हमारा डायरेक्ट मेथड में ही ये कोड बन चुका है, और वो भी डायनामिक क्योंकि इसमें एक पैरामीटर भी नेम, और पैरामीटर हम लोग पास कर रहे हैं मेथड के राउंड ब्रैकेट के अंदर। तो पहला दिया हमने रोहित, दूसरा देंगे हम लोग सोया, तीसरा देंगे हम लोग सुमन, और लास्ट देंगे फोन लेस। अब अगर कंट्रोल F11 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं रोहित, सोया, सुमन, फोन लेस, ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं और बिल्कुल आसानी से आई है क्योंकि हमने मेथड डिफाइन कर दिया है। हमें बार बार सिस्टम डॉट आउट करके इतना लंबा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तो एक लाइन का था इसीलिए हम लोग इसे ज़्यादा लंबा नहीं खा सकते, लेकिन आगे चल के कई सारे फंक्शंस होंगे, कई सारे कोड्स एग्जीक्यूट होने होंगे एक ही मेथड में। फॉर एग्जांपल साइन अप में कई यूज़र नेम, पासवर्ड वगैरह वगैरह चीज़ें सभी सेव करवानी होगी, तो एक मेथड बनाएंगे और डायरेक्टली कॉल कर देंगे जहाँ पर से भी हमें ज़रूरत होगी। तो इस तरह से हम लोग मेथड का यूज़ करके काफ़ी आसान बनाते हैं चीज़ों को, और कोड भी काफ़ी शानदार लगता है। इसे हम अगर फोल्ड कर दें तो ये आपका एक मेथड है। अब सिंपली यहाँ पर हम लोग कॉल कर रहे हैं डायनामिकली जो भी नाम देना है। अब चलिए एक ऐड का फंक्शन बनाते हैं और इसको ओवरऑल ख़त्म करते हैं। आप समझ जाएंगे, एक ऐड या फिर मल्टीप्लिकेशन वाला एक मेथड बना देंगे तो आप समझ जाएंगे आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से करेंगे काम। चलिए इसे काट देते हैं सबसे पहले। यहाँ पर ये जो माई सम मेथड है उसमें हम लोग यहाँ पर नेम प्रिंट करवा रहे थे जो कि मिसमैच था एक तरह से, हालांकि वो टेस्टिंग था इसीलिए चल गया काम। बेसिकली हमने ये जो मेथड का नाम दिया था वो एडिशन के लिए दिया था। अब चलिए इसमें एडिशन कैसे करेंगे, तो दो पैरामीटर्स लेंगे हम लोग, बेसिकली दो नंबर का ही एडिशन हम लोग देखेंगे। तो नंबर तो इंटीजर होता है भाई, तो INT, चलिए INT A, और दूसरा होगा INT B। तो यहाँ पर दो इंटीजर हमने ले लिया पैरामीटर के रूप में, INT A, INT B, यानी कि यूज़र से इनपुट लेना है हमें दो इंटीजर। अब यहाँ पर हम लोग प्रिंट क्या करेंगे, तो चूंकि हमारा मेथड है सम इसीलिए हम लोग प्रिंट करेंगे A+B को। काफ़ी सिंपल, और अब जितना चाहे आप एडिशन कर सकते हैं बिना इतना लंबा लाइन या फिर ये सब कोड लिखे हुए। कैसे होगा तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोग मेन मेथड में आकर के कॉल करते हैं अपने इसको माई सम, और उसके बाद फिर राउंड ब्रैकेट, एंड में जाके सेमी कॉलन। अब यहाँ पर दो पैरामीटर खोजेगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर int दो लिखा हुआ, दिस मेथड माई सम, द मेथड माई सम int कॉमा int इन द टाइप माई मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्गूमेंट्स नल, क्योंकि यहाँ पर कोई आर्गूमेंट्स नहीं है इसीलिए एरर दे रहा है। यहाँ पर दो आर्गूमेंट्स इस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 55 और 50 हमने दिया। अब ये एरर चली गई है। अब हम लोग कंट्रोल F11 प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि एडिशन आ चुका है 105। यहाँ पर चाहें तो आप एक अच्छा सा मैसेज भी दे सकते हैं। तो मैसेज किस तरह से बनाना है हम लोगों ने पहले ही सीख लिया, लेकिन फिर भी अभी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे द एडिशन ऑफ, प्लस देंगे कॉन्कैटेनेशन करने के लिए, किससे तो वेरिएबल से, द एडिशन ऑफ A। उसके बाद फिर से देंगे हम लोग स्ट्रिंग वाला A, एंड स्ट्रिंग वाला देने से पहले यहाँ पर एक प्लस देंगे A, एंड फिर से प्लस देंगे B, देंगे फिर से प्लस देंगे, फिर से स्ट्रिंग वाला देंगे एंड फिर से प्लस देंगे, यहाँ पर स्पेस दे देंगे, अच्छा दिखेगा, यहाँ पर स्पेस दे देंगे, द एडिशन ऑफ A एंड B इज A+B। अब अगर हम करेंगे कंट्रोल F11 तो आप देखेंगे द एडिशन ऑफ 55 एंड 50 इज, गलत हो गया, यहाँ पर हमने एक चीज़ मिस की है। यहाँ पर हम लोग कॉन्कैटेनेशन ही करते गए, लेकिन ये चीज़ नहीं होती है जब भी हमने, हालांकि पहले भी डिस्कस किया था स्टार्टिंग के वीडियोस में कि इस तरह से करेंगे तो ये कॉन्कैटेनेट हो जाएगी, जबकि हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है, इसीलिए A+B को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, राउंड ब्रैकेट में रखेंगे। अब ये जो है कैलकुलेशन हो जाएगा ना कि कॉन्कैटेनेशन होगा। तो कंट्रोल F11 प्रेस करेंगे, अब देख सकते हैं एडिशन ऑफ 55 एंड 50 इज 105। तो इस तरह से हम लोग मेथड का यूज़ करते हैं। अब जितना चाहें आप सम करवा सकते हैं,
यहाँ पर देखें हम लोग सम करवाएंगे, हम लोग यहाँ पर इतना का करवा देते हैं। हम लोग देख सकते हैं ये भी आ चुका है। तो काफ़ी सिंपल, काफ़ी इजी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। बेसिकली हम लोग यही सारी चीज़ें यूज़ करते रहेंगे आगे चल के। तो इस तरह से आपने देखा एक सिंपल सा एग्जांपल, मेथड कैसे यूज़ करते हैं, मेथड कैसे बनाते हैं, उसमें आर्गुमेंट्स कैसे पास करते हैं, आर्गुमेंट्स को कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख लिया इस वीडियो में। अब ये जो स्टैटिक वर्ड है वो क्या है ये भी देख ही लेते हैं हम लोग इस वीडियो में। देख लेते हैं कितना ड्यूरेशन है, 11 मिनट हो चुका है। तो एरर वगैरह कट करके थोड़ा कम रहेगा साइज़ वीडियो का, लेकिन अगर देखें तो वीडियो लेंदी हो चुका है। तो ये जो स्टैटिक वर्ड है उसे हम लोग डिफाइन करेंगे अगले वीडियो में कि प्राइवेट, पब्लिक, स्टैटिक वर्ड, ये सारी चीज़ें होती क्या है और इसका बेनिफिट क्या है। तो बेसिकली बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, दो ही चीज़ हम लोग देखेंगे, प्राइवेट, पब्लिक और स्टैटिक, नॉन स्टैटिक वगैरह। होपफुली वो फाइनल वीडियो होगी। ये वीडियो मैंने सोचा था कि फाइनल करूँगा, लेकिन ये जो वीडियो है थोड़ा लेंदी हो चुका है ऑलरेडी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, जितना हो सके इसे शेयर करें अपने दोस्तों से, अगर वो भी चाहते हैं कोडिंग सीखना तो उनसे शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। और बस इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।